हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। यार आज का ब्लॉग, मैं इस वक्त हूँ पड़ौली गांव में। देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, मतलब बहुत ही बेहतरीन जगह पे मैं हूँ इस वक्त। और काफ़ी ठंड है यार, आज दोपहर के बज रहे 2:30 और अभी तक धूप का नामो निशान नहीं है। देख सकते हैं पूरा मानसून कैसा बना हुआ इधर का, मतलब कुहेसा अभी तक है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और यार आज है हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। तो यार आज का ब्लॉग मैं लेके चलूँगा गोला बाजार के अंदर, मतलब रंगोली होती है बहुत बेहतरीन नदी के किनारे, जो सरजू नदी हम लोगों के वहाँ पे रंगोली की जाती है। मतलब स्कूल के कई सारे स्कूल के लोग आकर के वहाँ प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पे करीब हम जानते हैं 30 से 40 हज़ार दिए जलाए जाते हैं और काफ़ी सारा वहाँ इंतजाम होता है। तो लेके चलेंगे आप लोगों को वहाँ पे और दिखाएंगे वहाँ का भी, बहुत ही बेहतरीन यार। पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोग 4 लोग आए हुए हैं। मेरे साथ हैं जैक और ये आरिफ और ये रहे अमन। इन लोगों से आप पहले मिल चुके हैं मेरी वीडियो में। और ये रहा यार इधर का व्यू, बहुत ही बेहतरीन, मतलब पीछे सरसों का खेत है, चारों तरफ है हरियाली। और इस वक्त हम एक छोटे से पार्क के अंदर हैं। देख सकते हैं यहाँ सामने है मंदिर और यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था, अभी ख़त्म हो गया प्रोग्राम। और आगे मेन रोड है, वहाँ से हम लोग आए इंटर करके यहाँ पे। मतलब ये रहा हम लोगों का लोकेशन जहाँ पे इस वक्त हम लोग हैं। तो यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब लेके चलेंगे आप लोग हैप्पी न्यू ईयर का, मतलब सेलिब्रेशन दिखाएंगे गोला बाजार का, मतलब छोटे से एरिए का, मतलब हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। मतलब स्कूल के टीचर आकर के यार रंगोली करते हैं, मतलब रेत पे आपको मतलब भगवानों की मूर्ति होती है जो उनका सेब बनाया जाता है, मतलब बहुत कुछ है यार वहाँ पे। दिखाएंगे आप लोग एक एक चीज़ आप लोगों को ले चल के दिखाएंगे वहाँ पे। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को सरजू नदी किनारे और दिखाते हैं वहाँ का सीन क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दबा के सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए एंड दबा दो यार, अभी दबाओ, अभी लाइक करो, अभी सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, अभी फटाफट से शेयर भी करो भाई लोग, शेयर करिए भाई लोग अपने दोस्तों को। 1 के लाइक जाना चाहिए, लाइक कम से कम 1 के लाइक मांगता यार। ये रही यार अपनी बाइक, हम लोग आए थे ये दोनों बाइक से। और ये रहा बाहर का व्यू, किशन वर्मा जी फाउंडेशन से बेस्ट निवेदन है कि उनसे आए और मराठा का स्वागत करें। किशन वर्मा जी, आरएन सिंह सर का हैप्पी न्यू ईयर 2023। यहाँ देख सकते हैं रेत पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने अपनी कारीगरी दिखाई है। और यूज़ मी ये तो नहीं पता हमें, बाकी इधर देख सकते हैं ये रहा सरजू नदी के किनारे का व्यू। अभी लेके चलते हैं आप लोगों को पूरा यार, पूरा का पूरा आप लोगों को दिखाएंगे, घुमाएंगे, बहुत ही बेहतरीन सजाया गया हुआ है। और यार आज तक आप लोगों ने ऐसा हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन कभी नहीं देखा होगा यार, जिस तरह से यहाँ पर होता है। तो आप लोग यार ब्लॉग पे बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। Thank you.
देखने के लिए एंड दबा के लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, हम लोग इनके वन के लाइक चाहिए यार इस वीडियो पे, जाना चाहिए भाई, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो पे, बहुत मेहनत यार, एक एक चीज मैंने शूट किया है, कंप्लीट करवा दीजिए, आप लोग के प्यार की वजह से इनका 1300 कंप्लीट हो गए, 1.3K अभी कंप्लीट हो गया, आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का प्यार है, आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए मेरे चैनल पे, इंशाल्लाह बहुत जल्द 100K पहुंचेंगे हम लोग, थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।